20 से मैं अरुण कुमार शाही चीफ रिपोर्टर। अभी मैं बात कर रहा हूँ जल को बर्बाद हो रहे हैं इस संबंध में कि इसकी बर्बादी कैसे रोका जाए, जल संरक्षण की क्या तरीका होनी चाहिए और इससे बर्बादी से क्या परेशानियाँ हो सकती है, जरा आप बताएं अपने परिचय के साथ। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिलाषा है, मैं बिहार मुजफ्फरपुर शाहबाजपुर की रहने वाली हूँ। जल समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हमें स्कूल में शिक्षा के माध्यम से बताया गया था कि जल पे कैसे उसके जल को बर्बाद ना करें, कैसे उसकी बचत करें, कॉलेज में नाटक के माध्यम से, पर लोग इसे बस शिक्षा के तौर पे बस ग्रहण किए पर उसका यूज़ कहीं नहीं है। हम घर से बाहर में, ऑफिस में, स्कूल में, विद्यालय में, हर जगह पानी का सिर्फ बर्बादी ही है। जितना हमारा उपयोग है उसके दुगने हम उसे बर्बाद करते आ रहे हैं। जैसे रसोई घर में आजकल आरओ वगैरह लग गया है, जिससे 7 लीटर पानी मिनिमम, 7 लीटर अगर प्योरीफाई होते हैं तो 7 लीटर वेस्ट भी होते हैं। अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें, 4 कपड़े धोने के लिए मिनिमम आपको 30 से 35 लीटर पानी बर्बाद होता है। नहाने में, ब्रश करने में और गाड़ी धोने में न जाने कितने तरीके हैं जिससे पानी बर्बाद ही हो रहे हैं। हमें पानी स्टोर करना सीखना होगा कि हमें पानी कैसे स्टोर करना है। ये स्कूल में भी बताया गया, हम किसी को शिक्षा देते हैं तभी बताते हैं कि हाँ पानी स्टोर करना है, पानी स्टोर करना है, पर आज कोई पानी स्टोर नहीं कर रहा है। गाँव में पानी हमें नदी से, पोखर से, तालाब से मिल जा रहा है, पर शहरी क्षेत्र में पानी का अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें इसमें करना ये चाहिए, अपने घर के पास में एक सोख्ता बनवाना चाहिए जो कि चेंबर के थ्रू आए। हमारे घर में जो पानी बर्बाद हो रहा है, जैसे फिल्टर के माध्यम से जो पानी बर्बाद हो रहा है, हमें उसे स्टोर करके बर्तन धोने में यूज़ करना चाहिए। जो हम एसी यूज़ करते हैं, एसी से भी जो पानी वेस्ट हो रहा है उसे भी कहीं स्टोर करके वही गाड़ी धोने में यूज़ कर सकते हैं। बारिश का जो पानी बर्बाद हो जाता है उसे भी स्टोर करके सुख्ता के माध्यम से या बड़ा टैंक के माध्यम से पानी को स्टोर करके हम गाड़ी धोने में, बाग बगीचे में, पौधे में डालने में यूज़ कर सकते हैं। हम जब ब्रश करते हैं या फिर हम अपने चेहरे को धोते हैं, नहाने में जो हम सावर का यूज़ करते हैं, हम बाल्टी या मग से भी नहा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, अगर हम जागरूक होंगे तो जल का बचाव कर सकते हैं। सुख्ता का क्या मतलब है कि जो गंदे पानी को एकत्रित किया जाए, क्या कर? सुख्ता जो है सारे पानी को एक जगह पे मिनिमम जो है उसका मतलब अभी तो बहुत तरीके, हाँ बहुत तरीके आ गए हैं सुख्ते के, जैसे चैम्बर के थ्रू, जैसे किचन में अगर हम पानी जो हमारा बर्तन धुलता है जिसमें जूठा अन्न का दाना, तो ये चैम्बर के थ्रू बाहर एक छोटा सा चैम्बर बनता है, ऐसे 3 या 4 चैम्बर बनाने के बाद वो सारा पानी जो है वो सुख्ता में जाता है। चैम्बर में जितना भी गंदगी हो, जैसे बड़ा चावल का दाना हो गया या छोटा छोटा जो उसमें साग सब्जी का छिलका है या कोई भी है, वो चैम्बर के माध्यम से छन्नी का काम करके वो चैम्बर में रह जाता है और जो सिर्फ पानी है वो सुख्ते में स्टोर होते हैं। साफ पानी सुख्ते में पहुंचता है? हाँ, वो साफ पानी उसको नहीं बोलेंगे, सिर्फ पानी बोलेंगे, और उस पानी को भी अगर हम चाहें तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।